आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवंबर के महीने के 200 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये पार्ट वन है इस तरह के वीडियो का। एक और पार्ट में इसमें दूंगा, तो जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं नवंबर के महीने के वो सारे कवर हो जाते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डेली के जो करंट अफेयर्स के वीडियोस होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसको इसलिए लिया जाता है ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, तो ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता रहे, याद रहे, और आपने अगर देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं करंट अफेयर्स नवंबर के महीने के, तो आप अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही पता थे। और अगर आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आपने जो पढ़ा होगा वो आपको फिर से याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि देश का पहला टाइम बैंक किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो पहला टाइम बैंक होगा ये खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है, ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक को चीन की किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो ये कंपनी है फोसून। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, भारतीय रेसलर पूजा गहलोत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो एक आपको ये पता होना चाहिए कि U23 वाला जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुआ है। तो वो बुडापेस्ट में हुआ है, जो कि हंगरी में है, या फिर कह सकते हैं हंगरी की राजधानी है, तो यहाँ पे आयोजित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें पूजा गहलोत जो रेसलर हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है सिल्वर मेडल। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है, रग्बी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता। तो रग्बी का जो वर्ल्ड कप था वो खेला गया था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें साउथ अफ्रीका ने इसके फाइनल को जीता। चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वास्थ्य मोदी कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ संबोधित किया। तो स्वास्थ्य मोदी नामक जो एक कार्यक्रम था इसको पीएम मोदी ने संबोधित किया थाईलैंड में। पहला वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। भारत के कौन से केंद्रीय अस्पताल में सर्वप्रथम रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई है। तो इसकी शुरुआत किसने करी, इनॉग्रेशन किसने करा, वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, वो क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूछा गया है कौन से केंद्रीय अस्पताल में, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल, वो भी सेंट्रल का ये हॉस्पिटल है। तो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास पर संघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2019 में अपनी पीढ़ी की फ्रांस की कौन सी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं सम्मानित किया गया। ये हैं इसाबेल एनी मैडलिन हुपर्ट, इनको सम्मानित किया गया। कहाँ की अभिनेत्री हैं याद रखिएगा, फ्रांस की ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अगला सवाल है कि 4 दिवसीय 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है IISF 2019, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ कोलकाता में। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार निर्भया फंड से विमेन हेल्प डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट कहाँ खोलेगी। तो विमेन हेल्प डेस्क और एंटी ट्रैफिक यूनिट, शॉर्ट में इसको WHD और यहाँ पे S लगा लीजिए, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, ओके ऐसे लिखा जाएगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसको भारत सरकार पूरे भारत में खोलेगी। चौथा वाला ऑप्शन सही है। 100-100 करोड़ रुपए दोनों के लिए दिए जा रहे हैं और ये निर्भया फंड से खोल रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। फिर लिखा है, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना अपने कैंपस में करेगा। ज़्यादा सुदिंदी हो तो समझिए कि ये अपना एक स्पेस टेक्नोलॉजी सेल जो है अपने कैंपस में यहाँ पे ओपन करेगा इसरो का। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ये है IIT दिल्ली। फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है, चंपक जैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चंपक जैन थे फिल्म निर्माता। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित 16वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। तो ये जो आयोजन था 16वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन, ये हुआ था थाईलैंड में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपद येसो नाइक ने कहाँ पर उन्नत त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NRIUMSD का उद्घाटन किया। तो ये याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन किया, इसकी फुल फॉर्म यहाँ से लिखी गई है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर्स। तो इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद में। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है, कोलकाता में आयोजित 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? तो IISF 2019 का आयोजन कौन कर रहा है? तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विभागों तथा विज्ञान भारती, ये मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। अगला सवाल है, कोलकाता में आयोजित 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो IISF इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कंटेनर कार्गो की पहली आवाजाही हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से गुवाहाटी के पांडू तक किस जलमार्ग पर शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला बात करी जा रही है, वाटरवे की बात करी जा रही है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से गुवाहाटी के पांडू तक। ये इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में छिपी है, पूछा जा सकता है। तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पे, पहला जो इसका चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। जो पहला है इसका राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये गंगा नदी है। अगला सवाल है कि वैज्ञानिका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन थर्ड कोलकाता में ही हुआ, जो IISF है उसी के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। अगला सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला JCB पुरस्कार 2019 में किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो JCB पुरस्कार है, ये प्राप्त हुआ है माधुरी विजय को। फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका सही है। और इनकी किताब कौन सी है जिसको प्राप्त हुआ है? तो इनकी नॉवेल है द फार फील्ड, इसके लिए इनको प्राप्त हुआ है JCB पुरस्कार। कोलकाता में आयोजित 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या है? तो देख रहे हैं कि IISF को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। तो इसकी जो थीम है वो है राइजन इंडिया, ओके, RISEN और फिर है इंडिया, लेकिन यहाँ पे एक्रोनिम में लिखा गया है। इसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, देखिए राइजन इंडिया सब में लिखा गया, लेकिन सबकी फुल फॉर्म अलग है। तो यहाँ पे R का मतलब क्या है? रिसर्च से। I का मतलब है इनोवेशन से। S का मतलब है साइंस से। E का मतलब एम्पावरिंग से। और N का मतलब नेशन से। तो याद रखिएगा, रिसर्च, इनोवेशन, साइंस, एम्पावरिंग नेशन, ये चारों जिसमें आएंगे वही इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन, साइंस, इकोनॉमी आ गया, नहीं रिवाइव इंटेलिजेंस, नहीं रिसर्च, इनोवेशन, साइंस, एम्पावरिंग द नेशन, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला सवाल, भारत किस देश के साथ दस्तलिक 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा? तो ये जो सैन्य अभ्यास है दस्तलिक, ये भारत ने किया, करेगा क्या किया? उज्बेकिस्तान के साथ, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर है, जर्मनी में आयोजित सार्लोर लक्स ओपन बैडमिंटन के फाइनल को किस भारतीय ने जीत लिया या जीता? तो ये भारतीय हैं लक्ष्य सेन, पहला वाला ऑप्शन सही है, जिन्होंने इसको जीता। फिर लिखा हुआ है, किस शहर की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम और रेड एटलस एक्शन प्लान मैप नामक 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं? तो CFWS इसका एक्रोनिम है, और RAAPM, इन दोनों ऐप्स को लॉन्च किया गया है किसके लिए? चेन्नई के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो ये दूसरा सवाल यही है कि इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने इसका इनॉग्रेशन किया। फिर है, सापोवलो को पेरिस मास्टर्स के फाइनल में हरा कर किसने यह खिताब 5वीं बार जीता? तो याद रखिएगा कि इसको हराया है तो वो है सापोवलो, और किसने हराया है वो है नोवाक जोकोविच, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर है, 16 से 30 नवंबर 2019 के बीच दिल्ली हाट आईने में आयोजित होने वाले दिल्ली आदि महोत्सव की विषय वस्तु क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। विषय वस्तु का मतलब होता है थीम। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है थर्ड वाला, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स कल्चर एंड कॉमर्स, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया है किसके साथ? तो वो है IBM, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है।
फिर क्वेश्चन है कि 11वें द्वीप वार्षिक रक्षा प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो 2020 का जो डेफ एक्सपो है, इसको शॉर्ट में डेफ एक्सपो कहेंगे, इसका आयोजन होगा लखनऊ में। सेकेंड ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा विकसित दो नए आईटी पहल की शुरुआत की है, जो आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी को बेहतर निगरानी और गति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए हैं। एक है अतिथि, तो दूसरे का नाम क्या है? तो इसको मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, ICE-, ओके। तो ICE-, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है कि तीसरे महिला वैज्ञानिक और उद्यमी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका भी आयोजन कोलकाता में ही हुआ है, IISF में ही, ओके। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर है, किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय कंपनी के CEO स्टीव स्टेबरुक को कंपनी की नीतियों के खिलाफ कर्मचारी से रिश्ता रखने के आरोप में निकाल दिया गया? तो स्टीव स्टेबरुक है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये हैं कहाँ के? तो ये हैं मैकडोनाल्ड्स के। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान विराट कोहली के T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो ये हैं रोहित शर्मा, इन्होंने अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, आगे चल के हो सकता है पीछे हो जाएं। फिर है, किसने महेंद्र सिंह धोनी का T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये भी रोहित शर्मा ही हैं, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वैश्विक मेगा प्रदर्शनी विज्ञान समागम का कोलकाता में उद्घाटन किसने किया? तो विज्ञान समागम का उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट। अगला सवाल है कि RCEP का पूरा नाम क्या है, जिसमें शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार कर दिया है? तो RCEP का पूरा नाम क्या है, R से क्या है? तो वो है रीजनल, C से क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, E से क्या है, इकोनॉमिक, P से क्या है, पार्टनरशिप। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है सारा, रीजनल, कॉम्प्रिहेंसिव, इकोनॉमिक, पार्टनरशिप, पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ओके। अगला सवाल है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करी है? अब ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड, ओके। अगला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को कार्योत्तर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृत प्रदान करी है? तो नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी से भारत 1.82 क्यूसेक पानी जो है प्राप्त करेगा अपने लिए, ओके। तो ये नदी है फेनी नदी, फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका सही है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, किसी सरकारी कार्य में होगा, किसी प्रोजेक्ट में होगा? नहीं, इसका प्रयोग किया जाएगा त्रिपुरा के सबरूम शहर के लिए, वहाँ पे जो जल पूर्ति है वो पर्याप्त नहीं है, तो अपर्याप्त जल पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत जो है इसका पानी लेना चाहता है, ओके। अगला सवाल है, इंटरनेशनल क्रोमियम डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा क्रोमियम 2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे के 69वें स्थापना दिवस के शुभावसर पर भारतीय रेल ने शानदार उत्तम रेक को किस ट्रेन में लगाकर इन डिब्बों का उद्घाटन किया है? तो जो उत्तम रेक है इसको लगाया गया है चर्च गेट से विरार लोकल ट्रेन में, ओके। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। और ये जो लोकल ट्रेन है ये भी साधारण नहीं है, ये जो लोकल ट्रेन है दुनिया की पहली लेडीज़ स्पेशल लोकल ट्रेन है, ये भी याद रखिएगा, इसमें ही ये उत्तम रेक को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, या इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, याद रखिएगा सबसे, बी से क्या है, कह सकते हैं द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे कि बिम्स्टेक में कौन कौन मेंबर स्टेट्स हैं या फिर कंट्रीज़ हैं, तो ये कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये कंट्रीज़ इसमें आती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि पहले बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे जहाज रानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
श्री मनसुख मंडाविया, पहला वाला ऑप्शन इसका सही, ये इसका उद्घाटन करेंगे। फिर क्वेश्चन है कि 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत इनमें से कौन सी इतालवी फिल्म दिखाकर की जाएगी या फिर की गई। तो इसका ऑप्शन जो पहला है डिस्पाइट द फॉग, इसको दिखाकर इसकी शुरुआत करी गई। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किसके उत्पादों के निर्यात के लिए एचएस कोड प्रदान किया है। तो एचएस कोड जो प्रदान किया है भारत सरकार ने, स्पेशली खादी ग्रामोद्योग, चौथा वाला जो ऑप्शन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके लिए एचएस कोड प्रदान किया है। क्योंकि एचएस कोड प्राप्त होने के बाद इनको बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। पहले ये नॉर्मल जो टेक्सटाइल था उसी के अंतर्गत आता था ये भी, तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता था कि खादी का कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कितना बिक रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। वो जनरल एंट्री के तौर पे ही आता था कि कहाँ पे भारत का कपड़ा जा रहा है, लेकिन अब ये पता चल सकता है कि कौन से देश में कहाँ पे कितनी इसकी डिमांड है, कितनी इसकी आपूर्ति है, सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो एक्सक्लूसिव कोड प्रदान किया गया है। ओके, यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एचएस कोड है इसका फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है इसका। तो इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। ये सिस्टम क्या है, तो ये सिस्टम एक 6 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जिसको डेवलप किया गया है WCO द्वारा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक है, कस्टम्स है, कस्टम नहीं, कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में अब 24 घंटे से ज़्यादा रुकने के लिए परमिट लेना होगा। ये एक न्यूज आई थी कि अब ऐसा हो रहा है कि जो मेघालय की सरकार इस तरह के नियम ला रही है कि जो भी टूरिस्ट हैं उसके प्रदेश के बाहर के लोग, वो 24 घंटे से ज़्यादा अगर रुकने का सोच रहे हैं तो उनको परमिट लेना होगा। लेकिन अभी राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बताया गया कि अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव या फिर कोई बिल नहीं आया है, तो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला सवाल है, मर्सिडीज के कौन से ड्राइवर 6वीं बार फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन 6वीं बार बने हैं लुइस हैमिल्टन, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, ये किसके ड्राइवर हैं याद रखिएगा, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, अगला सवाल है कि शूटर दीपक कुमार ने 14वें एशियाई चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने जो 10 मीटर की ये एयर राइफल स्पर्धा थी उसमें ये कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है, 14वें एशियाई चैंपियनशिप में 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है मानू भाकर ने। ओके, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है। 14वें एशियाई चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है या फिर इसका आयोजन कहाँ हुआ। ओके, ऐसे पूछा जा सकता है, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे, तो दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ है। अगला सवाल, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के अनुसार सरकार देश में 5 स्थानों पर विशेष रूप से किसके लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है। तो ये स्थापित कर रही है सरकार दिव्यांगों के लिए। ओके, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया कौन सा अंतरिक्ष यान सौरमंडल के आखिरी छोर पर पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। तो ये है वॉयजर 2, इससे पहले वॉयजर 1 था, अब ये 2 जो है यान, ये जो है इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित राइजिंग हिमाचल वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किसने किया। यहाँ पे किया दो बार लिखा है, तो इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। किसका, राइजिंग हिमाचल, यार नाम याद रखिएगा। ओके, फिर है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खानों में दुर्घटनाओं में मौत के लिए अनुग्रह राशि में 300% बढ़ोतरी करते हुए इसे कितना कर दिया है। तो अब इसको कर दिया है 15 लाख, पहले ये कितनी थी, तो ये थी 5 लाख, 5 लाख से अब इसको 15 लाख कर दिया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 6 से 7 नवंबर 2019 को आयोजित किया जा रहा है। तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास हो रहा है इंडिया और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में। फिर है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा किन देशों के नागरिकों को नहीं मिल सकता है। तो OCI का दर्जा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं मिल सकता है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसके प्रधानमंत्री बने प्रविंद्र जगन्नाथ। ओके, स्पेलिंग इनका इंग्लिश में देख लीजिएगा, प्रविंद्र जगन्नाथ की स्पेलिंग कैसी है। फिर क्वेश्चन है कि मिलन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो मिलन अभ्यास का आयोजन हो रहा है विशाखापट्टनम में, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके,
फिर यहाँ पे इसी से क्वेश्चन है कि इसका आयोजन कितने वर्षों पे होता है, तो ये हर 2 वर्ष पे होती है एक्सरसाइज। ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती हैं वो प्रतिवर्ष होती हैं, ये 2 साल पे होती है। फिर यहाँ पे है कि मिलन अभ्यास को कौन आयोजित करता है, तो मिलन अभ्यास को आयोजित करती है भारतीय नौसेना, और ये किसके किसके बीच में होती है, तो देखें यहाँ पे पहला नहीं लिखा नहीं है। इसका आयोजन मतलब भारत की नौसेना और किसी एक देश के साथ नहीं होता, बल्कि बहुत सारी जो देशों की नौसेना है उनके साथ मिलकर के होता है। तो इसे कह सकते हैं कि मल्टी कंट्री एक्सरसाइज ये होती है मिलन अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि टू शोकेस द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, वेयर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजिंग डिफेंस इनोवेशन कॉन्फ्रेंस डेफ कनेक्ट। डेफ कनेक्ट जो है इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहाँ पे कर रही है, ओके। और इसमें दिखाया क्या जाएगा, जो भी डिफेंस के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियाँ हैं, नए नए इनोवेशंस जो हुए हैं उनको दिखाया जाएगा। तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है नई दिल्ली में। फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट। किसे ABLF ग्लोबल एशियन 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है कुमार मंगलम बिरला। सेकेंड ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। ABLF की फुल फॉर्म क्या है, द एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम। 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, तो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है भारत में ही आयोजित होगा, फिर से अगली बार जो है भारत में ही हो रहा है। और अगर बात करी जाए महिला हॉकी वर्ल्ड कप की, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन नीदरलैंड और स्पेन इन दोनों को मिला करके होगा, दोनों कंट्रीज़ को मिला करके होगा। कौन सा बोर्ड फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में नवंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में फिटनेस वीक मना रहा है, तो ये बोर्ड है CBSE बोर्ड, ओके। फर्स्ट ऑल ऑप्शन सही है। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ होगा या फिर कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील की राजधानियाँ क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, ओके। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, यहाँ पे आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 14वें एशियाई चैंपियनशिप के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा 25 मीटर पिस्टल इवेंट, तो इसमें चिंकी यादव जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फिर है QS 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो QS में जो टॉप किया है वो लाइन से लिखा गया है। पहले नंबर पे है MIT, जिसको मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं 1, 2, 3, 4 स्पॉट पे। और अगर बात करी जाए QS की यहाँ पे, तो यहाँ पे भारत के लिए भी इसने अलग से रैंकिंग निकाली हुई है। फिलहाल यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्वेक्वे रैली सैमंड्स, ओके। फिर अगर बात करें इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है QS 2020 इंडिया रैंकिंग में, तो ये है IIT बॉम्बे, ओके। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी लाइन से ही लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर पर है IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर है IIT दिल्ली, फिर है मद्रास। अगर बात करें IIT बॉम्बे की ओवरऑल रैंकिंग की या फिर पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें, तो इसको 152वां स्थान मिला हुआ है, ओके। तो काफ़ी सोचने वाली बात है। फिर है 2019 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इस ये हैं कौन, ये है नासिरा शर्मा। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, और इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है कागज़ की नाव, इस बुक के लिए इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। फिर है हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, तो ये है TN शेषन, आपको पता होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है, जिन्होंने कह सकते हैं चुनाव आयोग को जिस पोजीशन पे वो है उसको इस पोजीशन पे और इस मजबूती पे TN शेषन ने ही लाया था। फिर है भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 6 से 7 नवंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच में है, अभी हमने देखा था समुद्र शक्ति इसका नाम है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये आयोजित हो रहा है इस बार इंडिया में, बंगाल की खाड़ी में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, फिर से, तो ये है देश संयुक्त अरब अमीरात। और अभी इनसे रिलेटेड एक और न्यूज है जो मैं आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, GST सीमा शुल्क और आबकारी विभाग के बीच संचार के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की कौन सी प्रणाली आज से लागू हो रही है या फिर कौन सी प्रणाली लागू हुई, तो यह है DIN डिन। थर्ड वाला ऑप्शन सही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जैसे अभी तक प्रत्यक्ष कर बोर्ड में होता था कि कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर जारी किया जाएगा, कोई समन जारी किया जाएगा किसी के लिए, तो उस पर एक लेटर नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है, जिससे पता चल सकता है कि इसको किसने जारी किया है, कि कौन कहाँ से इसका जो है शुरुआत हुई, पूरा फॉलोअप किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड में अभी तक ऐसा नहीं था,
और इसीलिए अब इसकी शुरुआत करी गई कि जिस भी समन या फिर नोटिस जिस पे डिन नंबर नहीं होगा वो वैलिड नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठा कौन सा चक्रवात उड़ीसा से पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर जो आगे बढ़ा और इसने इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे भी गए, और मतलब मारे गए लोग उतने कम गए लेकिन बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तूफान था कौन सा? बुलबुल। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 50वें IFFI समारोह के समापन में कौन सी फिल्म होगी? तो समापन समारोह में फिल्म दिखाई जाएगी मार्गे एंड अ मदर। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है, DRDO आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से कौन सी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करेगा? तो ये जो परीक्षण किया है DRDO ने, ये मिसाइल है K4। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है। K4 के बारे में कुछ खास बातें ये हैं, मिसाइल का टाइप क्या है, किसके लिए मिसाइल है, सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से किया है इसका परीक्षण। तो ये विशाखापट्टनम तट से इसका परीक्षण किया है, याद रखेगा, चांदीपुर उड़ीसा मत लगा के आइएगा, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये पानी के अंदर से चलेगी। ये किसके लिए डेवलप करी जा रही है? तो ये अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनके लिए डेवलप करी जा रही है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, बहुत इसकी रेंज हाई है, 3500 किलोमीटर की रेंज है। और जो K4 मिसाइल है, इसी तरह की एक और मिसाइल है जिसको K15 कहते हैं। तो इस तरह की दो मिसाइलें जो कि पानी के नीचे से जो है ये वार करती हैं, क्योंकि ये सबमरीन्स में लगी होती हैं। जो K15 है उसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर की है, और इसको सागरिका या फिर B-05 या फिर K15 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। अभी इसको K4 के नाम से ही जाना जा रहा है। ओके, और इसकी मारक क्षमता आप याद रखिएगा। अगला सवाल, किस देश के विकट खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत ने मानवीय गतिविधियों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम में $1 मिलियन का सहयोग किया है? तो ये देश है उत्तर कोरिया। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर 2 हेल्थ ATM लगाए हैं? तो भारतीय रेलवे ने, ये स्टेशन है 4 बाग रेलवे स्टेशन, यहाँ पे 2 हेल्थ ATM लगाए हैं। और इन हेल्थ ATM का प्रयोग यात्री अपने लिए कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में 5 से 9 मिनट के जो टेस्ट होंगे उसमें वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें जान सकेंगे। इस हेल्थ ATM को किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये है योलो हेल्थ ATM, ये कियोस्क होगा, और इसमें 50 और 100 रुपये में 16 स्वास्थ्य जाँच प्रदान करते हैं ये हेल्थ ATM। ओके, अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने देश भर में रुकी हुई अचल संपत्ति एवं आवासीय परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए फंड की घोषणा की है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार के फंड के साथ साथ कितने रुपए का योगदान करेंगे? तो LIC और SBI इसके साथ साथ योगदान करेंगे लगभग 15,000 करोड़ का। ओके, थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। और इसके बाद ये टोटल जो फंड हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। अगला सवाल है, खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संधि के 8वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ रोम, इटली में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी में, और ये अबू धाबी के नाम से ही इस प्रदर्शनी का भी नाम था। ओके, अबू धाबी पेट्रोलियम एक्सपो। फिर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने। अगला सवाल है, भारत के चिन्हित किए गए 50 समुद्र तटों में से 11 नवंबर से सप्ताह भर चलने वाले व्यापक समुद्र तट सफाई अभियान का नाम क्या है? तो ये जो समुद्र तट सफाई अभियान है इसका नाम रखा गया स्वच्छ निर्मल तट अभियान। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला सवाल, नई दिल्ली में रक्षा उत्कृष्टता के नवाचार IDX पहल की उपलब्धियों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित डेफ कनेक्ट 2019 का उद्घाटन किसने किया? अभी हमने देखा था डेफ कनेक्ट कहाँ पर आयोजित होगी, इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं। 11 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती की स्मरण के रूप में मनाया जाता है? मैंने शिक्षक दिवस बोल दिया, ये शिक्षा दिवस है। तो 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला सवाल है, T20 क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। फिर है, उपचार के लिए सस्ती कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में कितने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है?
तो ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क होंगे, इसमें जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट्स होते हैं जो कि हम विदेश से मंगाते हैं, वो यहाँ पे बनेंगे। तो ऐसे टोटल 4 पार्क की स्थापना हो रही है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और ये कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे हो रही है। ओके, 2 और राज्य हैं जिन्होंने डाला हुआ है कि उनको भी अनुमति मिल जाए। द्विपक्षीय इंदिरा 2019 अभ्यास दिसंबर में कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा कहाँ पे, तो होगा भारत में। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर है भारत और किस देश के बीच अभ्यास इंदिरा 2019 दिसंबर में आयोजित होगा, तो यह है भारत और रूस के बीच ये अभ्यास होता है। अगला सवाल है कि 10 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन बन गया है, तो ये है अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है। ओके, अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच बढ़ती साझेदारी के अनुरूप पहला संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास, जिसका नाम टाइगर ट्राइम्फ है, का 23 से 21 नवंबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है, तो ये अभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। क्या नाम है इसका, नाम आप याद रखेगा, टाइगर ट्राइम्फ। फिर क्वेश्चन, ग्रामीण और कृषि वित्त पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको कहते हैं, और एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ओके, अगला सवाल है कि भारत के राजकुमार रामनाथन और पूर्व राजा ने कोबे चैलेंजर टूर्नामेंट के डबल्स का खिताब जीता, यह टूर्नामेंट किससे संबंधित है, तो ये जो कोबे टू चैलेंजर टूर्नामेंट है टेनिस से संबंधित है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है कि कोबे वाला टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये कोबे जापान में है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है कि जापान में इसका आयोजन हुआ था। फिर क्वेश्चन है, किस देश में कंपनियों द्वारा महिला कर्मचारियों के चश्मे पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऑफिशियली नहीं इनऑफिशियली कह सकते हैं, पहला ऑप्शन जो है जापान। फिर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2050 तक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहा है, तो जैसा यहाँ नीचे लिखा गया आप समझ गए होंगे, ये देश है चीन। ओके, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, 2050 तक ये भारत ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बनाएगा, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम समझते हैं कि जो भारत की एजेंसी होगी वही इन्वॉल्व होगी, जबकि यहाँ पे जो चाइना है ये बहुत तेज़ी से स्पेस में आगे बढ़ रहा है। ओके, चाइना की जो स्पेस एजेंसी उसका भी नाम आप याद कर लीजिए, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, CASC, ये इसका एक्रोनिम है। और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा इकोनॉमिक जोन का, इसको सर्वप्रथम APJ अब्दुल कलाम ने 2010 में अपने भाषण के दौरान बताया था, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि साइंटिस्ट शुड स्टार्ट कंसिडरिंग अर्थ, मून एंड मार्स एज एन इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स फॉर फ्यूचर हैबिटेट एक्सपेंशन फॉर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसी अवधारणा पे काम करते हुए अब चाइना ये बनाने जा रहा है। भारत का पहला हाथी स्मारक एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है मथुरा में, चौथा और ऑप्शन इसका करेक्ट है। माली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माली गणराज्य में राजदूत जो बने वो हैं अंजनी कुमार, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा संगठन भारतीय उद्योग को अपने द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के लिए आयोजित पेटेंट के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा, तो ये है DRDO। DRDO जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने पेटेंट्स यहाँ पर फ्री में एक्सेस करवाएगा। हिरण की दुर्लभ प्रजाति माउस डियर जिसे विलुप्त मान लिया गया था, उसे हाल ही में किस देश में देखा गया है, तो ये है वियतनाम। ओके, न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने किसे 2020 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है, तो ये सुरंगा बावड़ी। ओके, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो ये हैं प्रिंस चार्ल्स, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, फिर लिखा हुआ है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज आफ्टर अरविंद सावंत रिजिग्नेशन, तो ये हैं कौन, तो प्रकाश जावड़ेकर को ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वेयर डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप टाइटल DRDO एकेडमिया इंटरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, तो ये जो आयोजित करी गई इसको आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। CSR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी IMTEC चंडीगढ़ साइंड अ MOU विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट कोलेबोरेटिव रिसर्च, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये है IIT बॉम्बे। ओके, फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू प्रिसाइड ओवर द कन्वोकेशन ऑफ विच नर्सिंग कॉलेज, तो पहले ये बने हैं कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री
जो कि इस तरह के कन्वोकेशन के अध्यक्ष बने हैं या फिर जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। ये कॉलेज है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू क्रिमिनलाइज मैनी ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग एज इट्स पार्लियामेंट पास्ड अ बिल कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्राइम्स। तो ये पहला देश कौन सा है? ये है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में फिक्सिंग की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, इसी वजह से अब इसको क्रिमिनलाइज किया गया है जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। विच लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश इंडियन MP रिजाइंड आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस कह सकते हैं? तो ये हैं कीथ वाज, थर्ड ऑल ऑप्शन इसका सही है। इनके ऊपर आरोप लगे थे कुछ और उसकी वजह से इनको 6 महीने का सस्पेंशन दिया जा रहा था, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगला सवाल है रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जो लिखा हुआ है रिज़ाइन करने के साथ साथ ये रिटायर भी हो गए हैं। ओके, याद रखिएगा, रिटायर हो चुके हैं मतलब अब ये फिर से कंटेस्ट नहीं करेंगे। ध्रुव प्रजापति आर रिसर्चर एट गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन डिस्कवर्ड 2 new species ऑफ स्पाइडर्स, वन ऑफ विच इज नेम्ड आफ्टर द प्लेयर। ध्रुव प्रजापति ने मकड़ियों की 2 नई स्पीशीज़ खोजी हैं, जिनमें से एक का नाम उन्होंने सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है। चौथा और ऑप्शन इसका सही है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन T20 क्रिकेट? तो ये हैं दीपक चहर। ओके, थर्ड और ऑप्शन सही है। विच यंग पोइट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर मुनीन बारकोकी लिटरेचर अवार्ड 2019 सेटअप बाय मुनीन बारकोकी मेमोरियल ट्रस्ट? तो ये हैं अंकुर रंजन फुकन, फर्स्ट ऑल ऑप्शन सही है। इनको दिया गया है इनकी पोएम के लिए। मनोरंजन बोरी, इनको दिया गया है शॉर्ट स्टोरी के लिए, याद रखिएगा। वेयर प्लेस डिड इंडिया रैंक इन 14th एशियन चैम्पियनशिप शूटिंग? तो इंडिया को मिला 4th स्थान, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ओके, पहला स्थान किसका है? तो वो है चाइना। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली? तो इसका जो उद्घाटन है ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने, थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवार्डेड द गोल्डन लीफ अवार्ड इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव कैटेगरी फॉर द ईयर 2019? तो गोल्डन लीफ अवार्ड मिला है किसको? टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एड्रेसेस द 11th मैत्री दिवस सेलिब्रेशन? तो इसको जो एड्रेस किया तवांग में, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। हु इनॉग्रेटेड द 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली? तो IITF, इसका जो इनॉग्रेशन है किया नितिन गडकरी ने, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और इन्होंने इसके साथ साथ जो खादी ग्रामोद्योग का पवेलियन है उसका भी उद्घाटन किया। रेल टेला मिनी रत्न PSU ऑफ इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड रेल वायर वाईफाई फैसिलिटी एट विच हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन टू अलाउ पिलग्रिम टू यूज़ फास्ट वाईफाई सर्विसेज एज एन MET? तो यहाँ पे ये जो स्टेशन है इसका नाम है डेरा बाबक नानक स्टेशन पंजाब, जहाँ पे अब ये फास्ट वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। किसके जरिए दी जा रही है? रेल टेल के जरिए। विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ मेम्बर ऑफ द बोर्ड फॉर द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क, द लार्जेस्ट US म्यूजियम? तो ये है नीता अंबानी, सेकेंड ऑल ऑप्शन इसका सही है। फिर है मधुमेह जागरूकता माह और विश्व मधुमेह दिवस 2019 के लिए थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो है फैमिली एंड डायबिटीज़, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? तो ये राज्य है झारखंड। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बाजार की जरूरत के अनुसार उस्ताद दस्तकारों की स्वदेशी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अगले 5 वर्षों में देश के हर राज्य में कौन सा केंद्र स्थापित कर रहा है? तो इस केंद्र का नाम है हुनर केंद्र, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव 2019 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका जो उद्घाटन है ये किया है अमित शाह ने, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं आदि महोत्सव 2019 से कि इसकी थीम क्या है। तो ये है अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर क्राफ्ट कुजीन एंड कॉमर्स, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है। और इसको जो ऑर्गेनाइज कराया है ये ट्राइफेड ने कराया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पे जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है पहली बार निकल के आया हुआ है। और इसका नाम देखिए पूरा क्या, आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। ओके, अगला सवाल है आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये
मैसूर कर्नाटक में उसका उद्घाटन किया है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन कि इसकी थीम क्या है हो सकती है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसकी थीम क्या हो सकती है, तो इसकी थीम थी योगा फॉर हार्ट केयर। अगला सवाल है न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बिल्डिंग ब्लॉक सुधार के लिए संभावित तरीके नामक रिपोर्ट कौन जारी करेगा। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी कर दी है, चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं, तो चेयरमैन हमेशा पदेन होता है, मतलब जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका चेयरमैन होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन कौन है वो बदलते रह सकते हैं, इस समय है डॉक्टर राजीव कुमार। अगला सवाल है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी से सियांग को जोड़ने वाले एक पुल का उद्घाटन किया, किस नदी पर बना हुआ है या फिर इसका नाम क्या है, दोनों पूछा जा सकता है। तो दिबांग घाटी से सियांग को जोड़ेगा ये पुल बना हुआ है सीसर नदी पे, थर्ड ऑल ऑप्शन इसका सही है, इसीलिए इस पुल का नाम भी सीसरी रिवर ब्रिज यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, इसका नाम रखा गया है, यहाँ पे आप इसकी फोटो देख सकते हैं इनॉग्रेशन की। अगला सवाल है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 14 नवंबर को कहाँ कृषि और बागवानी उत्पाद पर पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। तो एपीडा ने इस तरह की पहली जो बायर और सेलर बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, इसका आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इस बैठक में कितने देश के यहाँ पे बायर्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने देश के क्रेताओं ने भाग लिया, तो ये 7 देश के क्रेताओं ने भाग लिया। इनका नाम भी आप देख सकते हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, UAE, सल्तनत ऑफ ओमान एंड ग्रीस। अगला सवाल है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय 15-17 नवंबर 2019 को कहाँ आयोजित चाइना इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में भाग ले रहा है। तो ये आयोजित हो रहा है कुनमिंग में, फर्स्ट ऑप्शन सही है, या फिर कह सकते हैं हो चुका है कुनमिंग में, यहाँ पे भाग लिया। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के थे, तो ये थे बिहार के, ये भी याद रखिएगा, इनका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह है और ये गणितज्ञ थे। ओके, अगला सवाल है ब्रायन बंधु किस खेल से अगले साल 2020 में संन्यास लेने जा रहे हैं। तो ये टेनिस खेल से संन्यास लेने जा रहे हैं, टेनिस के ये इनकी युगल जोड़ी थी। ओके, और ये US के हैं, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है इनके नाम के बारे में, और ये अमेरिकन प्रोफेशनल डबल्स टेनिस प्लेयर हैं जो एक समय पे नंबर 1 भी रह चुके हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये आयोजन होगा भारत में, फर्स्ट ऑल ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि कौन कौन भाग ले रहा है, तो इसमें इतने देशों के भाग लेने की संभावना है, जैसे भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, केन्या, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और कनाडा, अभी इसकी इनकी उम्मीद है। फिर यहाँ पे ये पूछा जाए कि अगर यहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी कप आयोजन भारत में हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है पंजाब में, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को इस बार 78वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब ये ऐसा सूचकांक या इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक जितनी कम होगी उतना ही अच्छा ये माना जाएगा। तो पिछली बार की अगर बात करी जाए तो पिछली बार यहाँ पे भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार जो है भारत को 48 यहाँ पे पॉइंट मिले हुए हैं और 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें टॉप यहाँ पे कंट्रीज़ की, तो वो है न्यूजीलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। ओके, इनके रिस्क स्कोर देखिए 4-7-7 हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी एक नया मौसम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करेगी जो दुनिया के उन हिस्सों को 12 घंटे पहले तक की स्थिति का अनुमान लगाने में सक्षम होगी जिनके पास इस तरह के विस्तृत डेटा तक की पहुंच नहीं है। तो ये कंपनी है IBM, थर्ड ऑल ऑप्शन इसका सही है। ओके, फिर है किस भारतीय PhD छात्र को ब्रिक्स युवा नवोन्मेषक पुरस्कार या फिर यहाँ पर देखें ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है रवि प्रकाश, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने इन्वेंट किया एक अफोर्डेबल मिल्क चिलिंग यूनिट फॉर रूरल डेयरी फार्मर्स, की जो गांव के इस तरह के दुधार किसान होते हैं उनके लिए इस तरह की चिलिंग यूनिट में जो अफोर्डेबल हो। ओके, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये हैं गोटबाया राजपक्षा, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रधानमंत्री भी आपको ये पता होना चाहिए। किस खिलाड़ी को दुबई में इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड्स 2019 में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया दुबई में, तो ये हैं बजरंग पुनिया, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है किस भारतीय एथलीट को दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में Time 100 नेक्स्ट में रखा गया है, तो ये हैं कौन, दुती चंद, स्प्रिंटर हैं ये। ओके,
अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार। गन्ने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल बहुत सारी कई सारी नई चीज़ें करी हैं, तो अगर क्वेश्चन आए कुछ गन्ना से रिलेटेड तो याद रखिएगा बहुत सारा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार ही होगी। अगला सवाल है, किस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE में पहली बार 7 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो ये हैं आदित्यपुर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। अगला सवाल, किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की स्मृति में चुनाव आयोग ने एक विजिटिंग चेयर स्थापित किया है या फिर अब किया जाएगा? तो ये है TN सेशन, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में रजत पदक किसने जीता है? तो ये हैं शरद कुमार, फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे बात करें, ये जो चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इंडिया को 24वीं पोजीशन मिली। इसमें इंडिया ने टोटल 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते और चाइना इसमें 59 मेडल्स के साथ में नंबर 1 पोजीशन पर था। अगला सवाल है यहाँ पे कि 56 RRB में पूरे भारत में रुपए कार्ड लेन देन लक्ष्य की उपलब्धि के संदर्भ में पहले स्थान पे कौन सा बैंक है? तो ये बैंक है JNK ग्रामीण बैंक, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसके चेयरमैन है जनक राज एंगुरल। फिर है, ड्राइव करने हेतु दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो ये जो सबसे खतरनाक शहर है ये है मुंबई, भारत का शहर है। और अगर बात करें top 3 बेस्ट सिटीज़ की जो कि ड्राइव करने के लिए हैं, तो हैं कैलगरी कनाडा, दुबई और ओटावा कनाडा के, ये 2 शहर हैं और एक दुबई का शहर, ये दुबई है UAE का शहर। फिर है, विदेशी मिशन पर तैनात होने वाली पहली महिला JAG अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको JAG की फुल फॉर्म बताता चलूँ कि जज एडवोकेट जनरल हैं और ये जो सेशल्स देश है उसके लिए ये काम करेंगे। आप भारत में की तरफ से इनकी पोस्टिंग सेशल्स में हो रही है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, जैसे लिखा हुआ विंग कमांडर अंजलि सिंह, तो ये भारत की पहली फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट हैं जिनको किसी इंडियन मिशन के तहत अब्रॉड में पोस्ट किया गया। इसी तरह विंग कमांडर शैलजा धामी हैं, एस धामी, जो कि इंडिया की पहली वुमेन फ्लाइट कमांडर बनी है। तो ये जो फर्स्ट हो रहा है और ख़ासतौर पर फीमेल में है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना है? तो ये हैं न्यायमूर्ति रवि रंजन, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। पाकिस्तान एवं इटली के पुरातत्ववादियों द्वारा कितने वर्ष पुराने शहर की खोज करी गई? 3000 वर्ष पुराना ये शहर खोजा गया और इसको कहा जा रहा है कि ये एक व्यापारिक स्थान था जो कि खोजा गया है। ओके, अगला सवाल, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह पर ऑक्सीजन गैस की खोज करी गई? बहुत ही आश्चर्यजनक है, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन गैस की खोज करी गई। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, मंगल ग्रह पर कहा जा रहा है कि पानी हो सकता है या पानी है वहाँ पर, कहा जा रहा है नमी है, तो जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड रूप में है, लेकिन गैस रूप में वहाँ पर ऑक्सीजन का मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वहाँ पर जो नासा का रोवर है जिसको क्यूरियोसिटी रोवर कहा जाता है, उसने इसकी खोज करी है। अगला सवाल, 18 नवंबर को होने वाली 4 दिन की कृषि सांख्यिकी पर वैश्विक सम्मेलन का मुख्य वक्ता किसे चुना गया है? तो ये हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। अगला सवाल, टाइफाइड का नया टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये देश है पाकिस्तान। मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन कौन सा देश के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है? तो ये देश है अपना ही देश इंडिया, भारत। हमारे यहाँ जो प्रदूषण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन इतना हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। गुड रिप्लीकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन 2019 नेशनल समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, थर्ड ऑल ऑप्शन इसका सही है। और अगर पूछा जाए इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो आप बताएंगे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेशनल मिशन निष्ठा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। निष्ठा के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट। कितने भारतीय छात्रों को ऑक्सफोर्ड बिग रीडर एशिया पुरस्कार जीते हैं? कितने भारतीय छात्रों ने ये पुरस्कार जीता है? तो ये हैं 5 भारतीय। ओके, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अल्टिमा थुले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया एरोकोस, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है।
फिर है इन एन एफर्ट टू कन्वर्ट वेस्टलैंड इनटू प्रोडक्शन यूज थ्रू वेरियस लैंड डेवलपमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिलीज द फिफ्थ एडिशन ऑफ विच एटलस। ओके, तो ये जो एटलस रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, इसका नाम रखा गया वेस्ट लैंड एटलस 2019 और ये पाँचवा एडिशन है। ओके, अगला सवाल है वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग 2019। अभी हमने देखा था कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, राइजिंग हिमाचल, ये कहां पर आयोजित करी गई थी, तो ये आयोजित करी गई थी धर्मशाला में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। वेयर इज़ द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस बिंग हेल्ड दिस ईयर, तो ये हुई थी पुणे में। ओके, याद रखिएगा नाम, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। वेयर डिड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिगिन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटीज, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका सही है। फिर है वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेटेड इन 3-day वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ पे, तो ये था लंदन में हुआ था। थर्ड ऑल ऑप्शन सही है, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फिर अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम गार्टनर प्रोडिक्शन बाय 2024 विथ व्हाट एक्टिविटी विल बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एन एडिक्टिव डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर के रूप में 2024 तक WHO किसको जो है आइडेंटिफाई करेगा, कौन सी एक्टिविटी को, तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग की। सेकेंड ऑल ऑप्शन सही है, और इसको तो मैं आजकल देख भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में आदत हो गई है इसकी। द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट वर्थ अबाउट ₹400 crore टू हेल्प रिस्टोर फॉरेस्ट एंड स्टेट एंड प्रिजर्व इट्स बायोडाइवर्सिटी। ये 400 करोड़ रुपए का जो करार किया है, ये असम की गवर्नमेंट ने किसके साथ किया है, तो ये AFD के साथ किया है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। विच कंट्री हैज़ इन्फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस अबाउट इट्स डिसीजन टू ऑफिशियली विदड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, तो ये है अमेरिका। ओके, फिर है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो 47वें न्यायाधीश बने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी के कारण वर्ष 2018 में विश्वभर में 800,000 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है, तो ये बीमारी है निमोनिया। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर है निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ आयोग की पहले एथलीट कमीशन में जगह दी गई है, तो ये हैं सरिता देवी। ओके, देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज के मुताबिक वर्ष 2018-19 में भारत से कौन से देश में 200,000 से अधिक छात्र गए हैं पढ़ने के लिए, तो ये है अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। फिर यहाँ पे है महामहिम शेख सुल्तान बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, अभी मैंने बताया था आपको, संयुक्त अरब अमीरात के लिए री इलेक्ट हुए थे और इनका निधन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस्पात मंत्रालय के सहयोग से भारतीय इस्पात संघ 21-22 नवंबर को ISA इस्पात सम्मेलन 2019 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित करने जा रहा है या किया, तो ये हुआ नई दिल्ली में। अगला सवाल है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में नीति आयोग द्वारा आयोजित दी गांधीयन चैलेंज में कितने विजेताओं की घोषणा कर उन्हें पुरस्कृत किया गया, 30 बच्चों को। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है KSTDC। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसकी फुल फॉर्म है कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप देख सकते हैं इस ट्रेन को। अगला सवाल है इसरो कार्टोसेट 3 के साथ किस देश के 13 व्यावसायिक नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, तो इसकी लॉन्चिंग अभी होने वाली थी जो कि 2 दिन के लिए टल गई, शायद 27 नवंबर को अब नई डेट रखी गई है, अमेरिका के 13 जो कमर्शियल नैनो सैटेलाइट से उसको लॉन्च करेगा। कहां से लॉन्च करेगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा के। रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C-47। बेस्ट इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। 2019 IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है, 59वें स्थान पे है। भारत की जो पोजीशन है वो 6 स्थान गिर गई है पिछले बार की तुलना में। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इस रैंकिंग में। 2019 के लिए शांति, निःशस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये हैं कौन, डेविड एटनबरो, जो कि एक ब्रॉडकास्टर हैं और एक नेचुरलिस्ट हैं। भारत निर्मित मानव रोबोट का क्या नाम है, जिसका उपयोग जो यहाँ पे मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री है उसमें डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जा रहा है, तो इसका नाम है सोना 1.5। ओके, फिर लिखा हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किस बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल की रेंज को दुगुना किया जा रहा है, तो ये है अस्त्र मिसाइल। ओके,
इसकी रेंज जो अभी तक 80 से 110 किलोमीटर थी, अब इसको 160 किलोमीटर तक किया जाएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अब अपना नाम रख लिया है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 2 नवंबर को मनाया जाता है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। When is World Tsunami Awareness Day celebrated, या फिर celebrated क्या कहेंगे, observed कहेंगे, तो ये ज़्यादा सही होगा। तो ये हर साल होता है 5 नवंबर को। फिर है When is International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict observed, तो ये हर साल होता है 6 नवंबर को। शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को। रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को। राष्ट्रीय कानून दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। फिर है नेशनल बर्ड वॉचिंग डे, यहाँ पे शायद मैंने जब मनाया था शायद नेशनल बर्ड डे कह दिया था, ये नेशनल बर्ड वॉचिंग डे है याद रखिएगा, ये मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को। किसके जन्मदिन के तौर पे, सलीम अली, जो कि कह सकते हैं कि भारत के अगर देखा जाए सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को। किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली और आखिरी बार जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, वो ऑल इंडिया रेडियो के कैंपस में आए थे या फिर ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए थे, और इन्होंने कुरुक्षेत्र में स्थित जो शरणार्थी थे उनको संबोधित किया था, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व निमोनिया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को। When is World Kindness Day celebrated? 13 नवंबर को World Kindness Day celebrate किया जाता है। When which day is observed all over the world on 14th नवंबर? एक तो बाल दिवस होता है भारत में, लेकिन all over the world कब क्या होता है, तो होता है World Diabetes Day, थीम मैंने बता दी है पहले ही। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। फिर 16 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये होता है इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, सेकंड ये जो ऑप्शन है सही है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 17 नवंबर को। ओके, विश्व सड़क यातायात पीड़ित यादगार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एक तो होता है इंटरनेशनल मेंस डे, वो भी होता है, इसके साथ साथ होता है विश्व शौचालय दिवस या फिर वर्ल्ड टॉयलेट डे। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, मैंने बता दिया आपको 19 नवंबर को। फिर है वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 नवंबर को। तो ये थे 200 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में जो मैंने आपको दिए हैं करंट अफेयर्स के। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चंस, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, और उसका जो लिंक होगा मैं आपको दे दूंगा, या फिर studysmart.group पे जाकर के आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। ओके, आपने अगर टेलीग्राम चैनल को सब यहां पे सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। जैसे ही इसकी पीडीएफ को बनाऊंगा तो आप अपडेट होंगे, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर सोशल मीडिया पर हमको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिएगा। और इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे दिनों के लेकर के आपको बनाऊंगा, ताकि आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे मिल सके। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पसंद आई कि नहीं आई, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।